टुडेज टॉपिक इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम बेटा इसका मीनिंग करेंगे। इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड। इस कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियली सैंक्शनड कम्युनिकेशन नहीं होता। इस कम्युनिकेशन का एक और नाम भी है, इस कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है। इस कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हम इसलिए कहते हैं, जैसे अंगूर की बेल को जहाँ भी रास्ता मिलता है वो फैलनी शुरू हो जाती है, ये कम्युनिकेशन भी अपनी मर्जी से रास्ता बनाता है, ये ऑफिशियली सैंक्शनड कम्युनिकेशन नहीं होता। अब इस कम्युनिकेशन की फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। दिस कम्युनिकेशन इज बोर्न आउट ऑफ सोशल रिलेशन विच मीन्स दैट इट इज़ बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कम्युनिकेशन सोशल रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है और इस कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन से हटकर ये कम्युनिकेशन बनाया जाता है क्योंकि ये ऑफिशियली सैंक्शनड नहीं होता और इस कम्युनिकेशन में सोशल वाले रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। सेकंड है, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। इस तरीके के कम्युनिकेशन में दो तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन काम से रिलेटेड भी हो सकती है और इंडिविजुअल लेवल पे भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो दो इंफॉर्मेशन होती हैं यहाँ, वर्क से रिलेटेड भी और इंडिविजुअल लेवल से रिलेटेड भी। थर्ड है, अनसर्टेन पाथ। इट फॉलो नो डेफिनेट चैनल लाइक अ ग्रेपवाइन। इट मूव्स इन अ zigzag मैनर। ये कम्युनिकेशन कोई डेफिनेट लेवल का नहीं होता। इस कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की तरह लिया जाता है। जैसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में अंगूर की बेल इधर उधर zigzag पोजीशन में जैसे चलती है, ये कम्युनिकेशन भी डेफिनेट लेवल का नहीं होता। जैसे वर्कर को मैनेजर से बात करनी है तो बीच में वैसे तो फोरमैन है, लेकिन वर्कर फोरमैन से रिलेशन बनाए बिना सीधा ही वर्कर मैनेजर से बात कर सकता है। तो इस कम्युनिकेशन का रास्ता सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन लेवल का रास्ता होता है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टोर्शन। नॉट मच अटेंशन इज पेड टू इट्स मीनिंग वाइल कम्युनिकेटिंग। इस कम्युनिकेशन में मैसेज जो कम्युनिकेट किया जाता है उसके मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कॉन्सिक्वेंटली र्यूमर्स कीप फ्लोटिंग। जब मैसेज के मीनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसका मतलब मैसेज में टाइमली कुछ चेंज कर दिया जाता है और ये मैसेज जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक अफवाह के रूप में जाना शुरू कर देता है। उसके बाद है क्विक रिले। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेक्स न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नॉट ओनली दिस पीपल स्टार्ट एडिंग समथिंग ऑफ देयर ओन विच समटाइम्स चेंजेस द रियल मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जंगल की आग की तरह फैलना शुरू होता है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में मैसेज को देने वाले लोग मैसेज में अपनी मर्जी से उसमें कुछ ऐड करने लग जाते हैं और जब मैसेज में मर्जी से ऐड किया जाता है तो मैसेज का जो रियल लेवल का मीनिंग है वो कई बार चेंज हो जाता है। तो ये इसका क्विक रिले में इसका जो है फीचर का पॉइंट था। नेक्स्ट है बेटा, इस कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला इसका एडवांटेज है फास्ट एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अंडर दिस कम्युनिकेशन मैसेजेस मूव फास्ट एंड देयर इफेक्ट इज इक्वली ग्रेट ऑन द पीपल। इस कम्युनिकेशन में मैसेज बहुत जल्दी जल्दी और अफेक्टिव तरीके से जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये मैसेज जिन लोगों तक जाता है
उस मैसेज को देने में बीच का एक कोई भी सर्टेन लेवल का रास्ता नहीं होता। जैसे मैंने पीछे बताया था, मैनेजर से यदि किसी वर्कर ने बात करनी है तो बीच में से फोरमैन को इग्नोर किया जाता है। तो फोरमैन को यदि लिया जाता है तो मैसेज को जाने में देरी हो जाती, लेकिन फोरमैन को जब इग्नोर कर दिया जाता है तो मैसेज फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्री एनवायरनमेंट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन इन अ फ्री एनवायरनमेंट। फ्री एनवायरनमेंट मीन्स दैट देयर इज नो प्रेशर ऑफ एनी ऑफिस। ये कम्युनिकेशन इनफॉर्मल लेवल का कम्युनिकेशन था, ये ऑफिशियली सैंक्शन्ड कम्युनिकेशन नहीं था। इस कम्युनिकेशन में ऑफिस का किसी भी तरीके का एम्प्लॉई पर प्रेशर नहीं होता। एम्प्लॉई एक फ्री एनवायरनमेंट में बढ़िया तरीके से काम करता है। थर्ड है, बेटर ह्यूमन रिलेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेव द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टेंशन। ये कम्युनिकेशन एम्प्लॉई के टेंशन को रिलीज करता है। फ्रीडम फ्रॉम टेंशन हेल्प द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर ह्यूमन रिलेशन। जब एम्प्लॉई बिना टेंशन के काम करता है तो एम्प्लॉई का अपने मैनेजर के साथ बढ़िया वाले ह्यूमन रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इजी सॉल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देयर इज मोर फ्रीडम इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच हेल्प द सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस कम्युनिकेशन में एम्प्लॉई फ्री तरीके से बिना टेंशन के जब काम करता है तो एम्प्लॉई को जो काम दिया जाता है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लेवल की प्रॉब्लम को भी एम्प्लॉई फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ द वर्कर। एवरीबडी वांट्स गुड रिलेशन विद द हाई ऑफिसर्स एट द प्लेस ऑफ हिज वर्क। अपने काम पर हरेक एम्प्लॉई अपने ऑफिसर के साथ बढ़िया वाले रिलेशन बनाना चाहता है। सच रिलेशन गिव सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज एंड दे फील प्राउड। इस कम्युनिकेशन में एम्प्लॉई के अपने मालिक के साथ, अपने मैनेजर के साथ बढ़िया वाले रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। जब एम्प्लॉई के उसके मैनेजर के साथ बढ़िया रिलेशन बनते हैं तो एम्प्लॉई के मन में प्राउड वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और जब एम्प्लॉई के मन में प्राउड वाली फीलिंग आती है तो वो सेटिस्फाइड तरीके से काम करना शुरू करता है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस थे। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं इस कम्युनिकेशन की, इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं। पहला ड्रॉबैक है अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन। इन दिस कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंफॉर्मेशन रीचेज द पर्सन कंसर्न। इस कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कई बार इन्फॉर्मेशन जिस व्यक्ति तक पहुंचानी होती है उस व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की सही वाली जो शेप है कई बार चेंज हो जाती है, और जहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उस तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, किसी और व्यक्ति के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इस कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन का सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, अनसिस्टमेटिक तरीका है। सेकंड इसकी लिमिटेशन का पॉइंट है अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू दिस कम्युनिकेशन इज़ अनडिपेंडेबल एंड नो इम्पॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ऑन इट्स बेसिस। इस कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन कई बार अपनी वास्तविक शेप को खो देता है, जिसके कारण इस कम्युनिकेशन पे लोगों का विश्वास जो है कम होना शुरू हो जाता है। लोग इस कम्युनिकेशन में विश्वास कम करते हैं। तो अनरिलायबल लेवल की यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक का पॉइंट था। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग किया, उसके फीचर्स की, उसके एडवांटेजेस किए और उसकी लिमिटेशन की।